क्या जो डायमंड हेड है वो ईयन को डिफीट कर सकता है? अगर मैं सिंपली कहूँ तो हाँ, डायमंड हेड ईयन को डिफीट कर सकता है, और अगर इसे मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दूँ तो नहीं, जो डायमंड हेड है वो ईयन को डिफीट नहीं कर सकता। सो आप लोग भी इसमें थोड़ा पजल हो गए होंगे क्या कर सकता है या नहीं। सो आज की वीडियो में हम इसी बात को जानने वाले हैं। और अगर आप हीरो नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर नए आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैंने वीडियो के पहले ही कह दिया कि डायमंड हेड ईयन को डिफीट कर सकता है, तो वीडियो में आगे आखिर क्या है? सो वीडियो में आगे है रीजंस कि कैसे जो डायमंड हेड है वो ईयन को डिफीट कर सकता है और कैसे जो डायमंड हेड है वो ईयन को डिफीट नहीं कर सकता। सो इन्हीं बातों को हम जानने वाले हैं, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमंड हेड की। तो डायमंड हेड एक पेट्रोसेपियन है, और एक पॉइंट ऑफ व्यू पर ऐसा भी फैक्ट है कि जो डायमंड है उसकी एज नहीं होती, और डायमंड के ऊपर टाइम पावर्स का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होता, जैसा कि बेंटन रेस अगेंस्ट टाइम में हमने देखा था। और अगर बात करें इयोन्स की पावर और एबिलिटीज़ की, तो इयोन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कोई छोटा मोटा इंसान तो है नहीं। सो इयोन टेक्नोकिनेसिस कर सकता है, टेक्नोपैथी कर सकता है, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन कर सकता है, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन कर सकता है, टेक्नोपोर्टेशन कर सकता है, और तो और यहाँ पर जो इयोन है वो टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है, जो डायमेंशन ट्रैवलिंग भी कर सकता है, और टाइम स्पेस क्रॉस डायमेंशन भी कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, एनर्जी शॉक वेव से अटैक कर सकता है। और यहाँ पर जो इयोन है उसके पास इन्हेंस स्ट्रेंथ, इन्हेंस ड्यूरेबिलिटी, इन्हेंस एजिलिटी, इन्हेंस स्पीड, इन्हेंस रिफ्लेक्सेस और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस भी है, जैसी पावर्स इयोन के पास है। और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारे हीरो डायमंड हेड की, तो डायमंड हेड भी कुछ कम पावरफुल नहीं है। डायमंड हेड के पास भी पावर्स है, जैसे कि क्रिस्टल काइनेसिस और शार्प बैक शॉट्स और वेपन मैनिफेस्टेशन, रीजनरेशन, बॉडी अल्टरनेशन, एनर्जी डिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, रीडायरेक्शन, एजिंग इम्यूनिटी, डीके टाइम रे इम्यूनिटी और हीट रेजिस्टेंस, स्पेस सर्वाइबिलिटी, इन्हेंस स्ट्रेंथ, इन्हेंस ड्यूरेबिलिटी, इन्हेंस डेक्सिटी, जंपिंग पावर्स और हाई रिफ्लेक्सेस जैसी पावर्स हैं डायमंड हेड के पास। और तो और जो डायमंड हेड है वो किसी भी एनर्जी अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और तो और डायमंड हेड पर टेक्नो अटैक्स यानी कि टेक्नोपैथिक अटैक्स का भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। और अगर बात करें इयोन के मैटर मैनिपुलेशन की पावर की, तो डायमंड हेड इतना ज़्यादा यहाँ पर ड्यूरेबल है कि इयोन की इस पावर का डायमंड हेड पर भी कुछ ज़्यादा असर तो होगा ही नहीं। और अगर यहीं पर अगर हम बात करें इयोन की टाइम पावर्स की, तो यहाँ पर जो डायमंड हेड है उसके ऊपर जो इयोन है उसके टाइम पावर्स का कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने बेंटन अल्टीमेट एलियन के एपिसोड बेंटन 1000 रिटर्न में देखा था कि जो इयोन है उसके टाइम पावर्स का डायमंड हेड के पावर्स पर कोई भी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब कि जो डायमंड हेड है उसके पास यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है इयोन को डिफीट करने के लिए। और अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, तो यहाँ पर 65% इयोन के अटैक्स डायमंड हेड पर बेअसर है, यानी कि यहाँ पर जो डायमंड हेड है उसके पास 65% की पॉसिबिलिटीज़ है कि वो इयोन को डिफीट कर सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, तो यहाँ पर जो आपने 35% छोड़ दिया है वो क्यों छोड़ा है? तो यहाँ पर जो इयोन है वो कोई कमज़ोर तो है नहीं, उसके पास इंटेलिजेंस भी है, वो इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए यहाँ पर 35% चांसेस है कि वो डायमंड हेड को किसी न किसी तरह से डिफीट कर ही देगा। वेल, ये तो हो गई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात। वेल, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, क्या डायमंड हेड इयोन को हरा सकता है या फिर इयोन डायमंड हेड को इजीली डिफीट कर देगा? प्लीज़ कमेंट में बताएं। आज की वीडियो बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।